हम लोगों ने स्टार्ट किया था 10th का साइंस 2 का फोर्थ लेसन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ओके, नीड्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और उसके लिए क्या-क्या लॉज है इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। ओके, नेक्स्ट है अ बिग स्टोरी ऑफ स्मॉल मैन। ओके, ये आपको लेसन में दिया हुआ है, एक सर्टेन पार्ट दिया हुआ है, मे बी एग्जाम में इस बार आपको नहीं आएगा इसके बारे में। ओके, फिर भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या किया था इन्होंने, तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो इनका नाम है जादव मोला है। ओके, पेन, इनका नाम जादव मोला है, पेन ये नाम के ये पर्सन है। इस हाईली कैपेबल पर्सन बोर्न इन अ नोमैडिक ट्राइब असम, असम में ये बोर्न हुए थे 1963, वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर। ओके, क्या काम करते थे? फॉरेस्ट वर्कर का काम करते थे, फॉरेस्ट में काम करते थे सिंस द एज ऑफ 16 इयर्स। ओके, once a large number of snake died in the flood of Brahmaputra river flowing by the village। okay, ek baar Brahmaputra mein flood aaya aur uske wajah se bahut sare snakes kya ho gaye, mar gaye। as the preventive measures the Molai planted 20 bamboo plants and in 1979 the local social forestry department began a forestation project of 20 acres of land। okay, तो इन्होंने क्या किया, 20 बाम्बू प्लांट्स लगाए। ओके, अब ये बाम्बू प्लांट्स का और इस स्नेक का क्या रिलेशन है? तो देखो, बाम्बू प्लांट्स देखो ऐसे ऊपर जाते हैं, हायर जाते हैं, अगर फ्लड आता भी है ओके तो ये स्नेक्स वगैरह वहां उसके ऊपर जा सकते हैं। बाद में गवर्नमेंट ने एक सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक सोशल काम किया, क्या किया, अ फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट ऑफ 20 एकर्स लैंड। ओके, अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? डीफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को कट करना, अफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को बढ़ाना, प्लांटेशन करना। 20 एकर्स लैंड के ऊपर प्लांटेशन करना स्टार्ट किया। मोलाय वाज द वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर हु वेयर लुकिंग आफ्टर दैट प्रोजेक्ट। ओके, अभी देखो गवर्नमेंट का क्या होता है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद उसको आगे उसकी देखभाल भी करनी जरूरी है, प्लांट्स को लगाने के बाद उसका रेयरिंग भी जरूरी है। ओके, वो ग्रो होते कि नहीं ये भी देखना है। ओके, तो ये मोलाय जो थे वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो मोलाय कंटिन्यू टू प्लांट द ट्रीज इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, जितना लैंड था उसके ऊपर जो प्लांटेशन करना था उतना करने के बाद मोलाय जो थे उन्होंने उनका काम कंटिन्यू चालू रखा और वो प्लांटेशन करते गए। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंटीन्यूअस वर्क्स ऑफ प्लांटिंग एंड केयरिंग ऑफ द ट्रीज he not only doing the plantation also he did the caring of that plant whatever he plant। okay, the barren areas wasteland of the forest cover over the 1360 acres। okay, jahan pe kuch bhi plants wagera nahi the, barren areas tha। okay, jara apan marathi madhe asa mhanto ki osad asa bhag hota jithe kahis nahoto tithe wahan pe ye इतना फॉरेस्ट बन गया, वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। टुडे दिस जंगल इज कोकिलामुख ऑफ द जोरहाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ फॉर 30 इयर्स। अभी वो एक जंगल यानी फॉरेस्ट बन गया है। कहां पे देखो, कोकिलामुख ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट इन असम। अभी इसका मोल क्या मिला हमको? ओके, ये सब उनका नाम है मोला। Okay, it has been awarded with the prestigious Padma Shri award by the government of India for this unparalleled work। okay, iske liye unhone government ne unko kya diya, Padma Shri award deke unko nawaza। okay, it is well known for the Molaya jungle aur wo abhi jo part hai forest ka usko naam bhi diya gaya Molaya jungle। many people come together to destroy the forest। बहुत सारे लोग एक साथ आके फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मगर वन पर्सन, बट अ सिंगल पर्सन इज डिटरमाइंड। अगर किसी एक बंदे ने अगर सोचा, ओके, एक ठान ली कि मुझे कुछ करना है, कैन एस्टैब्लिश द न्यू फॉरेस्ट, वो एक बड़ा सा फॉरेस्ट बना भी सकता है। ओके, डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारे लगेंगे, मगर किसी एक बंदे ने सोच लिया तो वो एक फॉरेस्ट भी बना सकता है, ये दिखाया हम लोग को बोला है। तो उसके लिए उनको पद्मश्री। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी। ओके, एनवायरमेंट को कंजर्व करना है,
उसके साथ बायोडायवर्सिटी को भी कंजर्व कर रहा है। मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन अकर्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनवायरमेंट पोल्यूट होता है, अल्टीमेटली ज्यादा इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ओके, और लिविंग वर्ल्ड हैव बीन रिचली डाइवर्स, इट कंसिस्टेड ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट एनिमल। ओके, लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। वी आर नॉट एबल टू सी द सम स्पीशीज ऑफ एनिमल अबाउट व्हिच वी हैड लिसन फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन। ओके, अभी देखो क्या है एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों जरूरत है। हम लोग को ऐसा सुनाई देता है कि हम लोग के जो भी ओल्ड एज पर्सन हमारे घर पे रहते हैं, जिसको दादा वगैरह हम लोग बोलते हैं, बंदादा बोलते हैं, अज्जी बोलते हो अपन, देना आजोबा बोलते हो, ओके, इनसे हम लोग को क्या कुछ ना कुछ तो सुनाई मिलता है, सुनने के लिए मिलता है कि उस जमाने में ये था वो था। ओके, मगर अभी दिखता है कि हम लोग को नहीं दिखता है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट को या फिर बायोडायवर्सिटी को कंजर्व नहीं कर रहे। ओके, तो ऐसे सर्टन रेयर स्पीशीज अभी वो खत्म। Biodiversity is the richness of living organism in the nature due to the presence of varieties of organism, ecosystem and genetic variation within the species. Biodiversity occurs at three different level. Okay, biodiversity एक क्या है richness of living organism जिसमें सब आता है, presence of varieties of organism आता है, ecosystem आता है, genetic variation आता है of different species. Okay, अभी उसके different level क्या है? तीन लेवल है उसके, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसके बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी है, और उसके बाद है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो फर्स्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके, क्या है अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म सम स्पीशीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, अभी एक सर्टन प्लांट है या फिर एनिमल है उसका एक सर्टन स्पीशीज है, जैसे हम लोग क्या है एनिमल, ये एनिमल उसमें आते हैं, मगर एनिमल में भी हम लोग क्या है ह्यूमन बीइंग एक सर्टन स्पीशीज है, मगर हमारे अंदर भी डिफरेंशिएशन है। ओके, वो जेनेटिक वेरिएशंस है, फीमेल चाइल्ड मेल, और फीमेल में भी चेंजेस दिखते हैं, हर एक कोई सेम दिखता है क्या, मेल में सेम दिखते हैं क्या, चाइल्ड सेम दिखते हैं क्या, नहीं, तो इसको बोला जाता है जेनेटिक वेरिएशन। और ये जेनेटिक वेरिएशन सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। Each human being is a different from the other because of इसके वजह से genetic variations है। Possibility of wiping out the species arises if there is a decrease in the diversity within the species. Those numbers involved in the sexual reproduction. Okay? अभी chances है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे species हैं in future वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसे chances। Okay? जो sexually reproduce करते हैं, जैसे human being sexually reproduce होता है। स्पीशीज डाइवर्सिटी इननिमरेबल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर्स इन द नेचर। नेचर में बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है। दिस इज कॉल्ड एज अ स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो नेचर में ऐसे बहुत सारे स्पीशीज है, अलग-अलग स्पीशीज, उसको बोला जाता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। इंक्लूड्स अ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अभी इसमें क्या-क्या आता है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, अलग-अलग स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम में क्या आता है, इन ईच रीजन इकोसिस्टम, अलग अलग रीजन का इकोसिस्टम अलग अलग है। इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। हैबिटेट यानी उनका रहने का जगह, हैबिट्स अलग, हैबिटेट अलग, एंड द चेंज इन द एनवायरमेंट। इकोसिस्टम का इंटरेक्शन है, इसमें प्लांट्स एनिमल एंड देयर हैबिटेट एंड चेंज इन द एनवायरमेंट। ईच इकोसिस्टम हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एनिमल प्लांट माइक्रोब्स एंड एबायोटिक फैक्टर। ओके, देखो अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स इज ए प्लांट। ओके, हम लोग बोलेंगे फॉरेस्ट या फिर पॉन्ड या फिर सी वाटर, ये अलग अलग इकोसिस्टम है, या फिर डिजर्ट अलग अलग इकोसिस्टम। तो डिजर्ट्स के एनिमल प्लांट अलग रहेंगे। ओके, अगर आप जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहां का जो इकोसिस्टम है वो अलग रहेगा, जहाँ पे पूरे साल ज्यादा कभी भी बारिश गिरता है या फिर बहुत ज्यादा बारिश गिरता है, या फिर रिवर का और सी का इकोसिस्टम अलग रहेगा, वहां के प्लांट्स वगैरह लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे अलग रहेंगे, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो अलग अलग रीजन का इकोसिस्टम अलग अलग होता है। इकोसिस्टम आर ऑल्सो टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम दो टाइप्स के रहते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल।
नेक्स्ट जो है वो है सैक्रेड ग्रूव्स। ओके क्या है, देखो सैक्रेड ग्रूव्स क्या है, ये भी फॉरेस्ट से रिलेटेड है। कंजर्व इन द नेम ऑफ द गॉड एंड कंसीडर्ड टू बी सैक्रेड इज कॉल्ड अ सैक्रेड ग्रूव्स। ओके द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड, गॉड के नाम पे एक फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है। ओके एंड कंसीडर्ड टू बी अ सैक्रेड इज कॉल्ड अ सैक्रेड ग्रूव्स, यानी सैक्रिफाई किया है ऐसा आप बोल सकते हैं। These are in fact the sanctuaries conserved by the society and not by the government forest department. Okay? So sanctuaries, okay? Sacred groves ये भी क्या रहते हैं? Sanctuaries ही है जिसको conserve कौन नहीं करता? Government जिसको conserve नहीं कर रहा है, कौन conserve कर रहा है? Common people ही उसको conserve कर रहे हैं। Okay? तो ऐसे जो forest रहते हैं उसको sacred groves बोला जाता है। Normally जितने भी sanctuaries वगैरह रहते हैं ओके उसको कौन कंजर्व करता है? गवर्नमेंट। जैसे देखो यहाँ पे बोरिवली में नेशनल पार्क है ओके तो वहां का कौन उसको कंजर्व करता है उसके बारे में जो भी काम करना है उसके अंदर कौन करता है? गवर्नमेंट देखता है, आम लोग देखते हैं क्या? नहीं। मगर कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे फॉरेस्ट को वहां के आम लोग ही उसको उसका ध्यान रखते हैं फॉरेस्ट का। ओके तो उसको बोला जाता है सैक्रेड ग्रूव्स। एज इट हैज बीन कंजर्वड इन द नेम ऑफ गॉड इट हैज अ स्पेशल प्रोटेक्शन। ओके उसको गॉड के नेम से उसको कंजर्व किया जाता है और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। दिस क्लस्टर्स ऑफ थिक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया बट इन द एंटायर कंट्री। उसकी वजह से क्या होता है? फॉरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। ओके फॉरेस्ट क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है। एंड मोर देन 13,000 सैक्रेड ग्रूव्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। इंडिया में ऐसे कितने सैक्रेड ग्रूव्स है जो 13,000 मोर देन 13,000 जिसको जिसकी देखभाल हम लोग बोल सकते हैं कि जिसको कंजर्व कौन करता है? कॉमन पीपल नॉट अ गवर्नमेंट। ओके हाउ कैन बायोडायवर्सिटी बी कंजर्व प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है आपको बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज यानी जिनके स्पीशीज बहुत कम दिखते हैं। ओके जैसे अभी देखो बहुत 5-6 सालों पहले टाइगर को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया था क्योंकि उनके स्पीशीज बहुत कम होते गए थे। ओके तो ऐसे रेयर स्पीशीज जो रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेचुरल पार्क्स एंड सेंचुरीज बनानी चाहिए ज्यादातर। डिक्लेयरिंग सम रीजन एज अ बायो रिजर्व्स। ओके जितने भी रीजंस है ओके फॉरेस्ट के उसको बायो रिजर्व डिक्लेयर करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज, स्पेशल स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए सर्टेन प्रोजेक्ट लेने चाहिए। कंजर्विंग ऑल प्लांट एंड एनिमल को कंजर्व करना चाहिए। ऑब्जर्विंग द रूल्स फॉलो हो रहे लेकिन ये चेक करना चाहिए। मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। ओके इन सब का उन लोग को रिकॉर्ड्स रखना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर हम लोग करेंगे तो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करेंगे। ओके ये रिक्वेस्ट सिंबल्स आपको एग्जाम में आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से सिंबल्स है वहां पे आपका व्यूज देना है। ये देखो सेव वाटर का सिंबल है वहां पे आप देखोगे कि वेस्ट केयरफुली जैसे कि हम लोग सेग्रीगेशन करते हैं वेस्ट का ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके ये देखो साइकिल का सिंबल है। ओके यहाँ पे हम लोग फ्यूल नहीं यूज करेंगे तो वो ग्रीन एनर्जी हो गया। ओके यानी हम लोग फ्यूल को सेव भी कर सकते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं एंड ये है सेव एनर्जी एनर्जी को सेव करना। तो ऐसे सिंबल्स देते हैं आपको और वो कौन से सिंबल्स है वो आपको एग्जाम में पूछते हैं। ओके इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादातर साइंस 2 से आते हैं और इस लेसन से भी आते हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्टन ऑर्गेनाइजेशन है तो ये देखो ये सब नाम दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन के बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये लोगों ने आके बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट के नहीं है। ओके गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट ने उनको मान्यता दी है। ओके तो मगर ये लोगों ने आके खुद आके बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ओके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। ओके एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके वो डोमेस्टिक हो गए इंडिया तक। ओके इंटरनेशनल भी है ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये उन्होंने नाम दिए एग्जाम में ये सब इतना कुछ आता नहीं है नाम वगैरह फिर भी उसको पढ़ के रखना। ग्रीन पीस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज। एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीन पीस जो ज्यादा एनवायरमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है कंजर्व करने के लिए। मोर देन 25 लाख पीपल फ्रॉम द 26
countries are the member of this organization. My role in the environment protection में क्या काम है अपना, okay? अपना role क्या है? Environment को हम लोग कैसे protect कर सकते हैं, okay? ये भी ऐसे charts के questions आते हैं ज्यादातर इस lesson से, इसको ठीक से learn करना। क्या क्या देखो, conservation, conserving the available resources, okay? जितने भी available resources है उसको conserve करना चाहिए। Control, preventing the harm, stopping the harmful activities and changing the mindset. Okay, harmful activities को stop करना चाहिए, अपना mindset change करना चाहिए towards the environment. Production, revival of harm factors of the environment, attempting innovation. Certain innovations लाना चाहिए, अच्छे अच्छे कुछ ना कुछ ideas लाने चाहिए. Okay, next awareness में क्या दिया है उन्होंने, awareness कैसे हम लोग कर सकते हैं, education है, guidance है, okay, invitation, organization बना के participate करके certain organization में, preventive measures क्या कर सकते हैं हम लोग, prevention क्या कर सकते हैं, preventing possible harms, जो भी harms पहुंचाते हैं, okay, उसको कम करना चाहिए, फिर prevent करना चाहिए, designing the new plans, okay, कैसे conserve किया जाए उसके लिए certain plans बनाने चाहिए, factors harmful to the environment, okay, उसको prevent करना चाहिए जो है harmful factors है environment के ऊपर. Next, preservation, environment को preserve भी करना चाहिए, whatever has been left over, जो भी बचा है अभी तक environment में उसको हम लोग को protect करना चाहिए, जो गया है उसको तो हम लोग नहीं ला सकते, possible way लाने का है तो उसका use भी करना चाहिए. And remedies to preserve the further loss नहीं होना चाहिए, इसके लिए certain remedies लाना चाहिए, उपाय लाना चाहिए. And preserving unknown regions, जो भी unknown region है उसको preserve करना चाहिए. तो ये अपने role है जो environment के conservation में use होते हैं.